गुड आफ्टरनून एवरी वन सो इज आवर फर्स्ट क्लास फॉर सी बी वन ठीक है सी बी वन का पेपर का नाम जो है तो बिजनेस फिनंस है uh, तो इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो कवर होगा ही साथ में अकाउंटिंग भी है इसमें ठीक है ना सो इट इज़ बोथ फिनांस एज वेल एज अकाउंटिंग देर आर फ्यू टॉपिक्स ऑफ सी एम वन ऑल्सो जैसे एन पी वी वगैरह है तो वो आप लोग सी एम वन में भी सीखेंगे तो वो भी यहाँ पर है राइट right? बिट ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो देर ठीक है सो अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करू सी बी वन बिजनेस फाइनेंस ठीक है सो इसमें अपन एक तो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे राइट right? कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए यूनिट फाइनेंस राइट सो उसके बारे में बातें होंगी देर आर वेरियस सोर्सेस टू फंड एनी बिजनेस राइट सपोज अगर मेरे को घर लेना है तो या तो मेरा अपना सेविंग्स होगा इन्वेस्टमेंट होगा शेयर्स होगा बैंक बैलेंस होगा राइट right? या मैं बैंक से लोन लूंगा राइट सो फाइनेंस एस्पेक्ट both important hota hai because there are various sources of finance which you can use uh, to borrow money it is not the only uh, one source you are seeing a uh, bank is also lending there are some financial institutions who are lending a company can float its shares in the market right company can issue debentures in the market right so different uh, forms of finance is there काफी सारे फाइनेंस का प्रोस एंड कॉन्स भी होता है किसी फाइनेंस का एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच कवर्स योर थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ योर करिकुलम इज अकाउंटिंग पार्ट तो नॉर्मल एक कंपनी का अकाउंटिंग आपने अभी प्लस टू में अगर अकाउंटिंग पढ़ा भी होगा तो यू हैव स्टडीड फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस काफी सारे बोर्ड्स के सिलेबस में यू माइट हैव डन इशू इशू ऑफ ऑफ शेयर्स एंड ऑल राइट सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सो दो अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू इशू एंड डिवेंचर इज नॉट कवर्ड हियर यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनता है ना जैसे अगर आप देखेंगे कंपनी अपना परफॉर्मेंस कैसे बताएगी एवरी ईयर कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट होता है उसका एक उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर में उसका फाइनेंशियल भी रहता है कि इसका नेट प्रॉफिट ये है इसके पास में इतने करोड़ों की एसेट है राइट सो so, एनुअल रिपोर्ट में काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को बताती है तभी ना लोग इंटरेस्टेड होंगे आज अगर मेरे को किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं कैसे देखूंगा उसका परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर वो लोग मेजर करके स्टेक होल्डर्स को कन्वे करते हैं राइट सो so, आपने जो प्लस टू में पढ़ा दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट इन योर दिस करिकुलम यू हैव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग राइट प्रॉपर कंपनी का आपको फाइनेंशियल uh, बनाना है एक सोल प्रोप्राइटरशिप में जब देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटिटी एक सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा कोई लॉ वगैरह अप्लाई नहीं करता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप खुद ही बिजनेस कर रहा है ही इज द ओनली ओनर हुज इन्वेस्टेड मनी वॉट एवर प्रॉफिट द बिजनेस इज मेकिंग ही इज ओनली टेकिंग दैट मनी राइट

कंपनी टैक्स दे रही है टैक्स देने के बाद एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिगर आता है उसको फिर अपन बंटवारा करते हैं शेयर होल्डर डिविडेंड उस जिसको अपन डिविडेंड बोलते हैं व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर दैट इज नोन एज डिविडेंड डिविडेंड तो अगेन बिकम्स टैक्सेबल इन द द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर राइट सो टैक्सेशन वाला मैटर भी अपन देखेंगे सो so, प्रोपर्टर में ऐसा नहीं होता सो प्रोपर्टर खुद ही इन्वेस्ट करता है और सारा प्रॉफिट पे खुद ही टैक्स दे देता है वहां पे सिंगल टैक्सेशन वहां पे डबल टैक्सेशन नहीं है बट कंपनी फॉर्मेंटिटी में यू विल फाइंड डबल टैक्सेशन राइट सो अपन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसमें कवर करेंगे तो नॉर्मली जो कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ गया है चीज वही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बदलने वाला तो अपन जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो नॉर्मल कंपनी का भी पढ़ेंगे और क्योंकि आपका कोर मेटेरियल इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंटिंग भी हम लोग देखेंगे जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं तो व्हाट इज माय रेवेन्यू फीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट इज माय रेवेन्यू जो भी मैं फीस बच्चों से ले रहा हूं वो मेरा रेवेन्यू है इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है रिस्क अंडरटेक कर रही है तो उसके लिए रेवेन्यू क्या होगा जो प्रीमियम वो कलेक्ट करती है फॉर द रिस्क द इंश्योरेंस कंपनी इज अंडरटेकिंग राइट दैट इज इनकम फॉर देम हमारे लिए खर्चा क्या है रेंट ऑफ दिस प्रमाइसिस कोलकाता वाला इज ओन्ड दिस इज नॉट ओन्ड राइट तो यहां पे हम लोग रेंट दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं स्टाफ सैलरी है क्लीनर सैलरी है राइट right? ये इतना सारा जो एसेट्स वगैरह आप देख रहे हैं इन सब का डेप्रीशिएशन होगा कहीं पे टूटा भांगा है तो उसका रिपेयरिंग कराएंगे सो इट इज फीस कलेक्टेड लेस ऑल एक्सपेंसेस। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है वॉट इज द रेवेन्यू फॉर देम इन प्रीमियम कलेक्टेड फॉर द रिस्क द इंश्योरेंस कंपनी अगर किसी का कल को कोई रिस्क मच्योर होता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना इंश्योरेंस कंपनी को राइट सो दैट दैट रिस्क अगर मच्योर होगा तो क्लेम्स देना पड़ेगा एक दूसरा इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है ना वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली उठाती नहीं है वो एजेंट्स अपॉइंट करती है राइट right? तो उन एजेंट्स को कमीशन भी देना पड़ता है सो अगेन दैट इज अनदर एक्सपेंस लाइक हमारे यहाँ पे स्टाफ है इलेक्ट्रिसिटी है यही है तो इंश्योरेंस कंपनी का भी अपना ऑफिस होगा एम्प्लॉज होंगे राइट तो उनका भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस हर जगह होता है कोई भी बिजनेस आप करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज विल भी देर तो क्लेम्स हो गया कमीशन हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया ये मेनो इस तरीके से बाइफर्केट करते है तो रेवेन्यू प्रीमियम कलेक्टेड अगर ये तीनों माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का राइट सो हम लोग वो भी सीखेंगे आई एफ ओ ए डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बट आई ए आई में टेस्ट हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी का भी अकाउंटिंग दे आर टेस्टिंग राइट दे आर टेलिंग यू टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर दिस इंश्योरेंस कंपनी बट आई एफ ओ ए इज स्टिकिंग टू कारपोरेट अकाउंटिंग पूरा पी एल बैलेंस शीट वगैरह वगैरह ठीक है अभी तो आई ए आई एम सी क्यू हो गया राइट हमारे हमने हमारे पोर्टल में एम सी क्यू दिया है आई एफ ओ ए के बच्चे भी सॉल्व कर सकते बिकॉज उनका भी ट्वेंटी परसेंट एम सी क्यू आता है सो अनदर एस्पेक्ट जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ कॉरपोरेट अकाउंटिंग राइट सो ये कॉरपोरेट अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट भी अपन को कवर करना है तो फाइनेंस हो गया कॉरपोरेट अकाउंटिंग हो गया ठीक है एक हम लोग छोटा सा डिस्कशन भी टैक्सेशन पे भी करने वाले हैं ठीक है सो ये हो गया फाइनेंस कॉरपोरेट अकाउंटिंग टैक्सेशन and then uh, few discussions will be based on um, uh, this thing NPB and all jo aap log cm1 mein padhenge usko apan bolte hai capital budgeting capital budgeting basically investment decisions hote hai right तो ये ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बाकी कुछ कुछ हेयर एंड देयर स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स आर देयर सो हम लोग क्या करते हैं हम लोग हमेशा इसी से शुरू करते हैं हम लोग कॉरपोरेट uh, अकाउंटिंग से शुरू करते हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये चीज राइट सो टुडे वी विल गो टू स्टार्ट विद दिस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट ठीक है नाउ अगर आप अपना बुक देखोगे ना अभी चैप्टर्स थोड़े पुराने किसी के पास मटेरियल है तो भी वो सेम टॉपिक है टॉपिक सा सेम बट क्या किया उन्होंने कुछ कुछ इधर उधर कर दिया मतलब उसका चेंज कर दिया है सम चैप्टर्स को निकाल के दूसरे में डाल दिया है क्लब कर दिया है कुछ कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिया है ठीक है तो अगर आप अपना किताब देखेंगे ना नया वाला 2024 वाला जो मटेरियल है तो उसमें चैप्टर नाइन से लेके फोर्टीन तक ये आपके सिलेबस का थर्टी थर्टी फाइव परसेंट कवर करेगा इसमें पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस काफी सारा अकाउंटिंग वाला पूरा अकाउंटिंग वाला पार्ट है यहाँ पे राइट right? सो so, ये अपन पहले इसको कवर करेंगे ठीक है सो हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग क्या होता है राइट right? जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं राइट तीन वीडियो है हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग क्या होता है ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं पी एल बैलेंस शीट वो तीन क्लास का हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो है दैट विल बी शेयर्ड आई थिंक इट 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 हैव बिन बट आई स्टिल चेक डबल चेक तो आपको डैशबोर्ड में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का तीन वीडियो मिलेगा सो दैट वीडियो इफ यू वॉ इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड बाकी कॉमर्स बैग्राउंड है तो आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा देख लेंगे तो अच्छा बात है उसमें कोई हार्म नहीं है राइट सो वेन एवर आई थिंक ऑफ डूइंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ना सो आपको मालूम है कंपनी में uh, पैसा कोई और लगाता है चलाता कोई और है राइट right? पहले आपको अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग देन यू ओन भी एबल टू डू अकाउंटिंग आपको अकाउंटिंग किसी पर्पस के लिए किया जाता है हिसाब एक पर्पस हो गया ना किसको देना है हिसाब हमको मालिक लोगों को देना है राइट क्योंकि कंपनी 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 फॉर्म में में कॉर्पोरेट मतलब हो गया में ये ओनर्स हैं दे आर ओनर्स दे आर शेयर होल्डर्स राइट ये शेयर होल्डर्स होते हैं राइट इन्होंने पैसे लगाए कहां लगाए इन्होंने पैसे इस बिजनेस में लगाया है राइट right? ये बिजनेस है एक्स वाई जेड को राइट right? तो इन्होंने पैसे बिजनेस में लगाए अभी वॉट दे डू यू नो दे अपॉइंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं राइट right? यहां पे ये सब अपॉइंटेड है इसको अपन बोलेंगे बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट दीज आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स या प्रमोटर अपॉइंट किए हैं अभी क्या है पूरा बागडोर कंपनी का इनके हाथ में है ये लोग पूरा संभालेगा ठीक है तो कहीं ना कहीं अगर ये संभाल रहा है राइट पर्सन रेस्पॉन्सिबल पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ठीक है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरा बिजनेस का ऑपरेशन को संभालेंगे ना ये कौन लोग होते हैं मालूम है मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं है तो मैं शेयर होल्डर बन गया अब धंधा करने के लिए मेरे को दिमाग वाला बंदा चाहिए तो ये लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री से टॉप प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं फलाना आदमी मार्केटिंग अच्छा करता है उसका एचआर अच्छा है उसका प्रोडक्शन अच्छा है उसका सेल्स अच्छा है तो टॉप टॉप प्रोफेशनल्स को लोग हायर करके ग्रुप बना देते हैं जिसको अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं तो इनके ऊपर में पूरी जिम्मेदारी है कंपनी को चलाने के लिए सो इट इज दीज पर्सन रन द कंपनी तो इनके एक अकाउंटेबिलिटी भी होगी ना मैंने आपको जिम्मेदारी दी है संभालने के लिए तो मैं तो आपको पूछूंगा ना भैया आपने क्या किया राइट right? तो इनके ऊपर में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा मैनेज करने का है अकाउंटेबिलिटी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हों की है तो अकाउंटेबिलिटी में लोग क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट आएगा बैलेंस शीट बनाएंगे राइट right? जिसमें हमारा फाइनेंशियल uh, पोजीशन uh, के बारे में हमें मालूम चलेगा राइट right? सो so, इन्होंने पैसा लगा दिया इनका काम खत्म हो गया इन्होंने पैसा लगा दिया इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर दिया राइट दीज आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर अपॉइंटेड बाई शेयर होल्डर इनको आप शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर दिया चलाना इनको है तो सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है तो अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी इनकी आ गई ठीक है अभी अकाउंटेबिलिटी से खाली नहीं होता काफी सारा कंप्लायंस वर्क भी होता है तो सारा कंप्लायंस मेंटेन करना भी इनकी जिम्मेदारी है सोल प्रोप्राइटर में सब झमेला ही नहीं है सोल प्रोप्राइटर में झमेला क्यों नहीं है वो खुद ही मैनेज कर रहा है अच्छा हुआ तो उसका होगा बुरा होगा तो उसी का होगा उसको दिमाग नहीं लगाना है सरकार भी नहीं लगाती है लेकिन कंपनी में पैसा किसी का लगा हुआ है चला कोई और रहा है तो मैनेजिंग अकाउंटेबिलिटी कंप्लायंस सारी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है अच्छा ये लोग भी खुद अपने हाथ से काम नहीं करता है नीचे बंदे रखते हैं तो उनसे फॉलो लेने का जिम्मेदारी इनका है अंबानी सब कुछ थोड़ी करता है उसने मैनेजर्स अपॉइंट करके रखे हैं फिर वो लोग और फर्दर अपॉइंट करते हैं इस तरीके से राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सारा जिम्मेदारी है पैसा इन्होंने लगा दिया हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जब लेना रहेगा जैसे हम लोग को मर्जर्स एंड एक्विजिशन हमको एक अच्छा टेक ओवर का अपॉर्चुनिटी आ रहा है धंधा दो तरीके से शुरू कर सकते हो जड़ से अपना शुरू करो या किसी का बना बनाया हुआ साम्राज्य को खरीद लो हमने किसी का साम्राज्य नहीं खरीदा है हमने खुद ने बनाया है राइट आदर यू टेक ओवर और यू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन तो मर्जेस एंड एक्विजिशंस का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है सो शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाया जाएगा एक हायरिंग करनी है छोटा सा मैटर है ये प्रोडक्शन ऑपरेशन का मैनेजर को अपॉइंट करना है डायरेक्टर करेगा उसमें शेयर होल्डर का क्या लेना देना है तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिसके लिए शेयर होल्डर को बुलाया जाता है अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में डायरेक्टर्स अपना डिसीजन ले लेते हैं राइट right? सर ये तो वो बात हो गई आप कह रहे हो कि आपने पैसे लगा दिए ठीक है चलाएगा कोई और अकाउंटिंग भी वो करेगा सारा कंप्लायंस भी वो करेगा इसकी क्या गारंटी है कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है हो सकते है ना हाई प्रोबेबिलिटी इसकी क्या गारंटी है कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है कम्स ऑडिटिंग अब आता है ऑडिटिंग पिक्चर में अगर मान लो आई एफ ओ ए या आई ए आई ऐसा एक अनाउंसमेंट लेके आए कि आप क्वेश्चन पेपर बना लो स्टूडेंट्स को बोल रहा है बोला आप हमको एग्जाम फीस दे दीजिए आप खुद अपना एक क्वेश्चन पेपर बना लो आप एग्जाम भी खुद दे दो चेक भी आप खुद ही कर लो तो आपके सौ में कितने नंबर आएंगे सौ में कितने आएंगे सौ में सौ कोई बोलेगा नहीं मैं नाइन्टी नाइन लूंगा आई विल डिटक वन मार्क फॉर ज्यादा स्मार्ट समझता आपने आपको तो अगर मैंने ही क्वेश्चन पेपर बनाना है मैंने ही चेक करना है मैंने ही सब कुछ करना है तो मेरे सॉफ्ट के नीचे नहीं आएंगे नंबर तो अगर यही मैनेज करा यही अकाउंटिंग करा यही कंप्लायंस करा तो सारा काम ठीक से किया है कि नहीं फ्रॉड है कि नहीं स्कैम है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा इसीलिए शेयर होल्डर अपॉइंट ऑडिटर शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करता है राइट ऑडिटर का काम क्या है वो चेक करता है वो वेरीफाई करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव मेड वो वेरीफाई करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सारा कंप्लायंस किया है कि नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पांच नंबर का राइट दी रेस्पॉन्सिबिलिटी अरे वो जो बाइक वाला आता है देख ले वीडियो कॉल में देख ले कौन है एनवेलप में डाल के स्टेपल लगा के राइट right. क्वेश्चन आएगा गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर अगर तुम्हारे पेरेंट्स का बिजनेस होगा ना वहां पे एक्चुअल में ऑडिटिंग नहीं होती है चार्टेड अकाउंटेंट खुद ही बना देता है खुद ही साइन कर देता है गवर्नमेंट को जमा कर देता है पर एक्चुअल में ऑडिटिंग वैसे नहीं होती है जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल

अदरवाइज आई हैव टू गिव सम रिमार्क्स कि तुम्हारा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है तुमने इस चीज का कंप्लायंस नहीं किया है इतना सा मैं इसके बाहर आप जाऊंगा भी नहीं आज मैंने इसी पे डिस्कशन करना है और कितना डिस्कशन होगा तुम लोग सोचना कितना सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा तो सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर ऑडिटर की डायरेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सारा बुक्स बनाएगा मैनेज करेगा कंप्लायंस भी सारा करेगा कंप्लायंस पे मैं आऊंगा अभी ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेरीफाई करेगा वो बनाएगा नहीं कंपाइलेशन नहीं करेगा वो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है जो गलत है कंपाइलेशन वर्क नहीं करेगा मतलब ये तो कानून है अगर तुम किसी का कंपाइलेशन वर्क करते हो तो तुम किसी का ऑडिटिंग नहीं कर सकते हालांकि मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं मैं मैं बहुत सारा सर्विस दे सकता हूं देर आर देर आर सो मेनी चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्म दो अकाउंटिंग वर्क फॉर द क्लाइंट बट दे कैन नॉट बिकम द ऑडिटर ऐसा रूल है पॉइंट तो तुमको ऑडिटिंग करना है तुमको वेरीफाई करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बनाया हुआ है कि नहीं कंप्लाय सारा हुआ है कि नहीं राइट right? नाउ एक सेकेंड

चलिए सो so, जब अपन अकाउंटिंग करते हैं ना राइट देर आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट राइट अकाउंटिंग के बारे में अपन करेंगे अपने वो कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे सो वेन वी डू अकाउंटिंग ना जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग को काफी सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ध्यान में रखना है जैसे वन ऑफ द अकाउंटिंग इज कॉन्सेप्टिसिटी जो कि बोलते हैं बारह बारह महीने का काउंटिंग होगा मतलब जब आप प्रॉफिट निकालोगे बारह महीने का निकालो राइट सो यू कैन फॉलो कैलेंडर ईयर दैट इज जैन टू डिसम्बर यूएस में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है बट इंडिया में हम लोग अप्रिल टू मार्च राइट काफी सारे कंट्रीज में जुलाई टू जून काफी सारे में अक्टूबर टू सेप्टेंबर राइट सो ट्वेल्व मंथ जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा वो बारह महीने का होगा प्री ठीक है एक दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी सेपरेट एंटिटी क्या बोलता है ओनर एंड बिजनेस दोनों सेपरेट हैं तो हम लोग यहां पे बिजनेस का प्रॉफिट निकालने आए हैं हम लोग यहां पे बिजनेस का प्रॉफिट निकालने आए हैं राइट तो जो भी बिजनेस का, तो का खर्चा है जो भी बिजनेस का इनकम है उसी से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे पर्सनल कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा राइट right? एक है मनी मेजरमेंट मनी मेजरमेंट क्या बोलता है आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो सारे ट्रांजैक्शन को आप वहां की रूलिंग करेंसी में रिकॉर्ड करोगे अगर मैं इंडिया में हूं और मैं यूएस बैंक से लोन लेता हूं तो यूएस बैंक वाला लोन तो मेरे को आई में देगा नहीं डॉलर में देगा यस और नो, तो वो डॉलर को अपन को क्या करना है कन्वर्ट करना है आई में यस और नो तो मनी मेजरमेंट वही बोलता है बिकॉज आपकी रिपोर्टिंग आई में होनी है, आपकी रिपोर्टिंग आपके शेयर होल्डर को डॉलर समझ में नहीं आता इट हैजू बी वन करेंसी विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर फाइनेंशियस आपको अपना फाइनेंशियल के लिए एक यूज करना है वन करेंसी आईन आर डॉलर जिस जो आपका रूलिंग करेंसी है कंट्री का जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हैं आपके आपके शेयर होल्डर को उसी करेंसी में इंफॉर्मेशन दिखाना है आपका एक फॉरेन कस्टमर है आपने किसी को बिल किया है फॉरेन में तो फॉरेन करेंसी में बिलिंग होगी वो पैसे भी आपको फॉरेन करेंसी में देगा तो आपके आई के बगल में डॉलर लिख के दिखाओगे यहां के लोगों को समझ में नहीं आने वाला तो प्रियोडिसिटी बोलता है बारह महीना सेपरेट एंटिटी बोलता है खाली बिजनेस का खर्चा इनकम मनी मेजरमेंट बोलता है जहां आप ऑपरेट करें वहां का रूलिंग करेंसी राइट ऐसे कई सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को अपन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर में दिखाते हैं ये हमारा एक प्रिंसिपल हो गया राइट right? तो कितने सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है तो अकाउंटिंग करते वक्त आपको इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा राइट व्हेन यू डू अकाउंटिंग यू हैव टू कीप नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से भी जानते हैं राइट वी कॉल इट एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो जबी भी आप अकाउंटिंग करेंगे राइट वेन एवर यू डू अकाउंटिंग आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अकाउंटिंग करना है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब बनाया गया इक्यू बनाया गया यू आर फॉलोइंग वन प्रिंसिपल समवन इज फॉलोइंग अनदर प्रिंसिपल कोई लोग कुछ और मतलब लोग अलग अलग अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने लगे कंपेरेबिलिटी नहीं आएगी ये सोच बहुत जरूरी है जो तुमने जवाब दिया ना ये सोच आना चाहिए तब तुम आंसर लिख पाओगे अगर ये सोच डेवलप नहीं होगी तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे और सोच डेवलप कब होती है जब आप रिगरेस नॉलेज गेन करते तभी आपका धीरे 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 सोचने का पावर बढ़ता है हम दस चीज सुनते हैं उसमें से हमको आठ चीज याद रहती है तो जब भी अपन अकाउंटिंग करते हैं अपन को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लोग अपना अपना प्रिंसिपल फॉलो करते थे इसीलिए हार्मोनाइजेशन, कंपेरेबिलिटी स्टैंडर्डाइजेशन सो गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव कंट्री का जो गवर्नमेंट है ना वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बता दिया बोला इस इस प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली अकाउंटिंग करना नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो ट्रीटमेंट लिखा है उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना है राइट right? आपको उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना है खाली अकाउंटिंग करने से नहीं चलेगा यू हैव टू डू अकाउंटिंग बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब इसमें एक बात है यह बात कौन किसको कह रहा है कि आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके करना पड़ेगा यह भी एक क्वेश्चन में आ सकता है नहीं गलत मैंने पहले क्या बोला लोग अपना अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते थे राइट right? लोग अपना अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते थे राइट एवरी वन यूज टू फॉलो इट्स ओन अकाउंटिंग प्रिंसिपल सरकार ने क्या किया सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बता दिया कि आपको अकाउंटिंग करनी है तो इसे फॉलो करके करना है अब इसमें दो बातें हैं सरकार कह रही है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके अकाउंटिंग करना है राइट right? पहली बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है जिम्मेदारी सरकार की है सरकार ने प्रोफेशनल बॉडीज को यह रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दिया है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इनको कहा गया आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाइए उन्होंने एक बोर्ड बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईसीआई ने उस बोर्ड में वो बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज दे आर डेवलपिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कभी नहीं बोलता है फॉलो मी फॉलो माई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाई मी मेड बाई मी विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैजोल्ड मी नहीं ऐसा नहीं होता है जैसे हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इंटरनेशनल में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है दे आर दॉडी हु मेक्स Accounting standard, but it is the respective countries government will tell you to follow accounting standard. The government of India kaise bolta hai hamare India mein compliance हमारे यहाँ पे Companies Act होती है हर country के अपनी अपनी Companies Act होती है कभी आपने सुना है Sole Proprietorship Act कभी आपने सुना है सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट मैंने कभी नहीं सुना क्यों नहीं है मालूम है एक बंदा चला रहा है धंधा कभी आपने सुना है पार्टनरशिप लॉ यस क्योंकि वहां पे दो तीन ओनर्स इन्वॉल्वड रहते हैं कंपनी कंपनीज एक्ट है तो ये लॉ सरकार बनाती है इस लॉ में लिखा है एवरी इंडियन कंपनी हर कंट्री का अपना अपना होगा एवरी इंडियन कंपनी मस्ट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू मेंटेन एंड प्रिपेयर इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टेट सेटर बॉडी कभी नहीं बोलेगी फॉलो मी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कभी नहीं बोलेगा इंस्टीट्यूट कभी नहीं बोलेगा इट इज द गवर्नमेंट हु टेल टू फॉलो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो अकाउंटिंग करना है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा देर आर सेवेंटीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उसको ध्यान में रख के आपको अकाउंटिंग करना है यू हैव टू रिमेम्बर दो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग अकाउंटिंग यू डोंट नो दैट यूर यू लैंड नो वेयर सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजिंग का अकाउंटेबिलिटी का कंप्लायंस का उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके अकाउंटिंग करना है सारा कंप्लायंस मेक श्योर करना है कंपनी लॉ का जितना भी कंप्लायंस अदर मैटर्स जैसे अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो डिस्काउंट में नहीं कर सकती इट इज प्रोहिबिटेड कहा लिखा है कंपनी एक्ट में लिखा है मिनिमम अप कैपिटल इतना होना चाहिए पॉइंट सो अकाउंटिंग करते वक्त अपन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है अभी एक कंपनी है इंडियन कंपनी है जो फॉरेन में भी काम कर रही है राइट right? एक इंडियन कंपनी है जो फॉरेन में भी काम कर रही है सरकार उसको बोल रही है आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो अब वो वहां पे भी ऑपरेट कर रहा है फॉरेन सॉइल में उसका बिजनेस फॉरेन सॉइल में भी है राइट right? हमारा जैसे ब्रांच कलकत्ता में दिल्ली में तो हमको यहाँ पे दिल्ली मुंसिपल कॉरपोरेशन से हमको ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा यहाँ का अलग से जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा वैसे अगर हम फॉरेन सॉयल में काम करेंगे तो वहां पे भी मेरी आएगी ना की नहीं आएगी हंड्रेड आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कोई दोहराई नहीं है ये सर में आएगी ना रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हंड्रेड परसेंट आएगी सर तो मेरी ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी राइट तो वहां का सरकार मेरे को छोड़ेगा नहीं बोलेगा तुम हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो हमें टैक्स दो हम तो फंस गए हम क्या करें इंडिया में हमारा मेन ऑफिस है वहां बोल रहा है कि वो वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो यहां वाली सरकार हम यहां काम करे तो ये लोग बोला ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो तो हम क्या करें तो कुछ कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हमारी सरकार ने इंटरनेशनल बॉडी के साथ हाथ मिलाया और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसको कन्वर्ज किया जैसे देश विदेश में हर जगह आईएफआरएस चलता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं पहले इसका नाम था आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब हो गया नाम आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पूरा एवरीवेयर यू हैव टू फॉलो राइट right? तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेगी जो यहां भी ऑपरेट करेगी वहां भी ऑपरेट उसके लिए तो फंस गया वो तो हमारी कंट्री ने इंटरनेशनल बॉडी के साथ हाथ मिला लिया बोला आओ हम मिलकर एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं इन कंपनीज के लिए कन्वर्ज करते हैं हमारा तुम्हारा उसमें हम कुछ अपना कहेंगे तुम कुछ अपना कहना मिलके अपन बना लेंगे सो देर विल सम डिफरेंसेस जिसको अपने बोलते कार विन कारबाउट जो हमारे करिकुलम में नहीं है राइट right? इसका नाम जो हमने दिया है इंडिया वालों ने इंड एस, इंडिया एस तो हमारे कंट्री में कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया दो अगर हम इंडियन कंपनी है यहीं ऑपरेट कर रहे हैं तो यहां वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और अगर हम इंडियन कंपनी है देश विदेश में भी हमारा ऑपरेशन है तो हम लोगों को इन डेज फॉलो करना है विच इज दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विथ आई एफ आर एस सपोज फॉरिन के कंट्री है उसके पास में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है क्या करेगा वो आईएफआरएस को गोद ले लेगा तो इंटरनेशनल जो बॉडी है ना उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी इस्तेमाल कर सकता है कोई भी आपके पास दो ऑप्शन है इधर यू अडॉप्ट और यू कन्वर्ज माइंड विथ योर्स इंडिया वाला बोला हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तुमको क्योंकि हमारा अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम हमारी सॉइल में जो काम करेगा उसके लिए हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी कंपनी जो तुम्हारे सॉइल में भी है उसमें लिए हम लोग नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं जिसको अपन इंडेस बोल रहे हैं काफी सारी फॉरेन कंट्री इतना मगजमारी करती नहीं है वो लोग काफी सारी कंट्री में प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ही नहीं है कहां से बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लोग गोद ले लेता है आईएफआरएस को उन लोगों के लिए झमेला ही खत्म अब उस कंट्री की कंपनी कहीं पर भी काम करे वो लोग आई फॉलो करते हैं यूएस यूएस के पास में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको अपन यूएस गैप बोलते हैं तो ये आई वालों ने यूएस के साथ भी हाथ मिलाने का कोशिश किया था बट यूएस बोलता आई विल नॉट शेक हैंड विथ यू अगर हमारी कंपनी तुम्हारे सॉइल में आती है उनको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने तो हमारा अपना रहेगा तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि आप पे क्या कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा बहुत सिंपल है आप किसी भी कंट्री में चले जाइए यू गो टू स्पेन जर्मनी दुबई धाबी श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान जहां आपका मन वहां जाइए या तो उस कंट्री का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा अगर उसका अपना नहीं है तो वो आईएफआरएस को गोद ले लिया होगा हमारे इंडिया में अपना है हमने गोद नहीं लिया लेकिन हमने कन्वर्ट जरूर किया है तुम्हारे साथ जरूरी भी है नहीं तो हमारी कंपनीज कैसे फ्लरिश करेगी तो जो भी अकाउंटिंग करना है वो कैसे करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करना है और आपको सबसे पहला काम क्या करना है आपको ये देख लेना है कि आप पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा तभी ना आप कर पाएंगे नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे यू हैव टू चेक विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाईज टू यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये नहीं हुआ गड़बड़ हो जाएगा कंप्लायंस में मैंने बताई दिया ठीक है तो मैंने दो बातें बताई पहली आपको अकाउंटिंग करते वक्त आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है अगर आपका अपना उस कंट्री का अपना है तो उसको फॉलो करो नहीं तो वो लोग आई फॉलो करने बोलेंगे आपको और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेरेबिलिटी एज माई ब्रदर सेड आई की जो संगठन है ना वो क्या चाहती है मालूम है वो ये चाहती है पहली हमारी मम्मी हमारा जब मार्कशीट आता था ना हमारी मम्मी हमारा मार्कशीट बगल में शर्मा जी के लड़के से हमारा मार्कशीट कंपेयर करती थी देख शर्मा के लड़के ने इतना नंबर लाया अब हमारी मम्मी चाहती है कि हमारा मार्कशीट हार्वर्ड के स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाए ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नीड है तो इससे क्या होगा हम हमारा अभी सभी लोग पूरे विश्व में इफ एवरी वन ऑफ अस स्टार्ट फॉलोइंग आई एफ आर एस वन नेशन वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नो? हम सब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो हम हमारा परफॉर्मेंस किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं ऐसा नहीं है भाइयों में नहीं बनती है एक शहर का दूसरे शहर से नहीं बनता एक देश का दूसरे देश से नहीं बनता तो कहां से आएगा ग्लोबलाइजेशन नहीं आ सकता कुछ हद तक दे आर ट्राइंग बट नॉट पॉसिबल सो दिस इज अड फॉर आई एफ आर एस आई एफ आर एस की जो संस्था है ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उनका विजन ये है द एंटायर वर्ल्ड शुड फॉलो वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्लोबल बट दैट इज नॉट पॉसिबल आपको कुछ नहीं करना है आप जहां भी जाइए आराम से काम करिए सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं थोड़ा सा ये एंड देर है पर अल्टीमेटली आप सबका पीएल बैलेंस शीट बारह बारह महीना में बनता है बिजनेस एक्सपेंस इनकम जिस कंट्री में आप ऑपरेट करें वहां की रूलिंग करेंसी ऐसे करके क्लोजिंग स्टॉक सबका पूरा विश्व में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा के देख लो सब सारे है, all का जब आप, ऐसे तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा वेन यू स्टार्ट वर्किंग सपोज यू गो टू यू कैन वर्क फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी सो देर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राइट सो वहां पर आपको सीख के जाएंगे कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे तो आप वो उसी समय सीखेंगे राइट सो अकाउंटिंग करते वक्त आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है डायरेक्टर्स हैव टू मेक श्योर फर्दर एक और बात मैंने बताई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी कभी आपको नहीं बोलेगी कि आप मुझे फॉलो करिए रेस्पेक्टिव कंट्री का जो कंपनी लॉ होगा उसमें लिखा हुआ है जैसे इंडियन कंपनी लॉ में लिखा है फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ आई एफ आर एस इस तरीके से लिखा रहेगा क्लियर हो गया सो so ऑडिटर का, का काम क्या है ऑडिटर आके चेक करेगा क्या चेक करेगा तुमने अकाउंटिंग किया है कि नहीं और अकाउंटिंग किस हिसाब से किया है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नंबर वन नंबर टू तुमने अकाउंटिंग किस हिसाब से किया है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नंबर टू कंप्लायंस यस और नो सब कुछ सही रहेगा तो ऑडिटर क्या बोलेगा एवरीथिंग इज ओके इसको अपन बोलते हैं क्लियर ओपिनियन क्या बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या बोलेंगे इसको ठीक है सर उसको ना सब कुछ मेरा ठीक लगा वो बोलता है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गलत है तो वो कैसा ओपिनियन देगा एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन तो इस टाइप का ओपिनियन को अपन क्या बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन सब गलत है सब गलत है एवरीथिंग इज इनकरेक्ट तो इस टाइप का ओपिनियन को क्या बोलेंगे अपन एडवर्स ओपिनियन क्या बोलेंगे एडवर्स ओपिनियन तो कितना कितना view, कितना ओपिनियन सिखाया तीन ऑडिटर वेरीफाई करेगा एवरीथिंग इज़ ओके तो कौन सा ओपिनियन देगा अनक्वालिफाइड क्लियर ओपिनियन सब कुछ सही एक्सेप्ट वन और टू क्वालिफाइड एवरीथिंग इज रॉन्ग एडवर्स एक और होता है जो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका ऑडिटर वो लीक कर जाए ओपिनियन ये कब होता है मालूम है मैंने तुमसे बही खाते मांगे मैं, मैं आऊंगा ना वेरीफाई करने ऐसे थोड़ी वेरीफाई करूंगा मैं गया पे. मैं जाते ही हमारी बहुत खातिरदारी होती है इतनी खातिरदारी मतलब हमारा ससुराल में भी इतना खातिरदारी नहीं होता इतना खातिरदारी करते हैं वो लोग ससुराल में ना पहली बार जब जाओगे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पहली बार जब आप जाओगे ना तो अच्छे से होती है एकदम राइट आस पड़ोस के लोग भी आए हुए रहते हैं दूसरी बार थोड़ी कम हो जाती है तीसरी बार और कम होती है तो चौथी बार नहीं जाना चाहिए यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं नहीं जाता ठीक है ऑडिटर का शुरू से लेके लास्ट तक इक्वल वे में खातिरदारी होती है एकदम पहला दिन आप जाओगे आपको काम करने ही नहीं देगा वो लोग क्योंकि उसको मालूम है जहां यह बंदा अपना दिमाग लगाएगा वो कुछ ना कुछ खोद के निकालेगा भाई हमको तुम वेरीफाई करने बोलोगे हम तो खोदेंगे ना चला कॉन्ट्रा डायरेक्टर अकाउंटिंग किसने की डायरेक्टर अकाउंटिंग करते वक्त मैंने तुमको बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो और कंपनीज एक्ट सारा कंप्लायंस करना है ना कि नहीं करना है तो सब चीज तुमने किया खुद ने तुमने पेपर बनाया तुमने सब कुछ किया मार्कशीट भी तुमने कर लिया अब मैं चेक तो मैं करूं चेकिंग मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो मैं चेक करने नहीं देता हूं तुमको क्योंकि तुम जैसे तुम चेक करोगे तुम मेरा स्कैम पकड़ लोगे सत्यम पीडब्ल्यूसी के, के केस में क्या हुआ था डायरेक्टर और ऑडिटर मिल गया था तब जाके स्कैम हुआ ऑडिटर क्या किया उसको अपॉइंट किया शेयर होल्डर ने उसके साथ धोखाधारी किया ऑडिटर का काम होता है ट्रस्ट वाला आज एक सीए की साइन की जितनी वैल्यू है ना प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है प्राइम मिनिस्टर की साइन की भी उतनी वैल्यू नहीं है अगर मैंने तुम्हारे पीएल बैलेंस शीट में साइन कर दिया इसका मतलब मैंने तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ा दी ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ गया ये होता है मैं गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं रहे हो तो मैं वेरीफाई कैसे करूंगा मुझे तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना तुमने बोला सर आप क्या खाओगे मैंने बोला कुछ भी मंगा दो फिर थोड़ी देर बाद बातचीत में लोग घुमा रहे हो फिर बोल रहे हो फिर क्या खाओगे मैं जब आर्टिकल था फर्स्ट दो दिन तो मैंने कुछ किया मेरे को तो आता भी नहीं था वैसे भी और वो लोग भी खिला रहे हैं जबरदस्त और साढ़े तीन चार बजे कल करेंगे ऐसा होता है रियल लाइफ में गलत नहीं है ये चीज अगर तू मुझे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दोगे तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट जिसके बेसिस पे ऑडिट करना है वही तो लिमिट हो गया मैं तुमसे पूछताछ कर रहा हूं तुम ठीक से मुझे जवाब नहीं दे रहे हो अभी सपोज करो मैं तुम लोग को पूछता हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है इसने मुंडे नहीं लाया क्योंकि नींद में है जवाब आएगा तब ना मैं रेस्पॉन्ड दूंगा मुझे जिसके बेसिस पे मुझे ऑडिट करनी है वही तुम मुझे नहीं दे रहे तो मैं ऑडिट कैसे करूंगा तो स्कोप ऑफ ऑडिट लिमिट हो गया अगर स्कोप ऑफ ऑडिट लिमिट हो गया तो मैं ओपिनियन कैसे दूंगा तो इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ उप ओपिनियन लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट तो ऑडिटर चार टाइप का ओपिनियन देता है सबसे पहला क्लियर ऑब्लिक अनकालीफाइड दूसरा क्वालिफाइड तीसरा एडवर्स ओपिनियन चौथा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लिमिटेशन जब तुम मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दे रहे हो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं ओपिनियन कैसे दूंगा जो चीज मैंने देखी नहीं मैं ओपिनियन कैसे दे दूं? तो इसको अपन बोलते हैं लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ़ ऑडिट ठीक है इसको क्या बोलेंगे अपन लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट क्लियर हा हु अपॉइंट्स ऑडिटर लेटर लेट अस प्ले टंग ट्विस्टर्स शेयर होल्डर वेरी गुड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुईज रेस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर दैट ऑल कंप्लायंस इज डन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरे ऑडिटर तो चेक करेगा कि तुमने ठीक से सब कुछ किया है कि नहीं ऑडिटर का कुछ नहीं होता है रोल बनाना फॉलो करना कंप्लायंस मेकिंग कंपाइलेशन एवरीथिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आई विल कम टू वेरीफाई मैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं करने वाला एम नॉट इन कंपाइलेशन आई एम इन वेरिफिकेशन वर्क मेरे को जहां गलती दिखेगी मैं तुम्हें बोलूंगा ठीक करने की अगर तुमने ठीक नहीं किया चार ओपिनियन में से कोई एक मैं डाल दूंगा मेरी ये जो रिपोर्ट होती है ना इसको अपन बोलते हैं ऑडिटर रिपोर्ट क्या बोलेंगे इसको ऑडिटर रिपोर्ट इस रिपोर्ट में ऊपर में लिखा हुआ भी रहता है टू द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी मैंने देना है ना रिपोर्ट तो जो मुझको अपॉइंट किया मैं उसको एड्रेस करूंगा यहां पे जो एड्रेस ही होता है एड्रेस ही चिट्ठी लिखते हैं ना अपन वहां लिखा रहता है टू द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी मतलब टू द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी इसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना ऑडिट रिपोर्ट जो अपने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है इसमें लिखा रहता है पहले होता है इंट्रो पहले तो टाइटल होता है टाइटल होता है पहले पहले टाइटल होता है राइट right, पहले क्या होगा टाइटल होगा उसमें लिखा रहता है ऐसे करके टू द मेंबर्स ऑफ डॉट डॉट ऐसे करके लिखा रहता है दूसरा एक होता है इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लेगा वी हैव ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दिस ईयर वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ दिस ईयर वी हैव ऑडिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्ला 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 फॉर दिस कंपनी दिस पीरियड टू दिस पीरियड यह इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया उसके बाद होता है स्कोप पैराग्राफ दोनों की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी रहती है इसमें ऑडिटर का क्या ड्यूटी है डायरेक्टर का क्या ड्यूटी है ये सब लिखा रहता है देन ओपिनियन डेट सिग्नेचर ठीक है ओपिनियन पैराग्राफ में लिखा रहेगा कि हमने इसका ऑडिट किया है ये सब ऐसे करके राइट अभी ऑडिटिंग इतना आसान नहीं है अगर मैं आपको ऑडिट का प्रोसेस बताऊं ना तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं ऑडिटर का क्या काम रहता है राइट ऑडिटर का काम रहता है वेरीफाई करना बुक्स ऑफ अकाउंट बाई दायरेक्टर्स ऑडिटर का काम होता है एंड अकॉर्डिंगली वो ओपिनियन देगा और अपना एक रिपोर्ट भी देगा उसमें सब चीज लिखेगा कि मैंने इसका ऑडिट किया है इसका सब कुछ सही है राइट right? इसमें होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ये क्या होता है मालूम है ऑडिटर को कोई एक ऐसा मैटर है जो गलत नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है जस्ट ही वॉन्ट्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मेंबर्स हो सकता है कोई एक मेजर खर्चा हो सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ हो तो ही वॉन्ट्स टू जस्ट ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मेंबर्स आई एम नॉट सिंग इट इज फ्रॉड ना मैं नहीं बोल रहा ठीक है फर्दर आई वुड लाइक टू एड इट इज नॉट ओनली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जितने स्कैम्स हुए ना डायरेक्टर शेकिंग हैंड्स विद दिस सो एंड सो एज आई वाज टेलिंग कि मैंने ही uh, मार्क्सिट बनाया मैंने चेक कर लिया मैंने uh, मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया मैंने चेक कर लिया मैंने मार्कशीट दे दिया सौ में सौ आएंगे तो ऑडिट भी आजकल दो टाइप का होने लग गया एक होती है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक होने लग गई आजकल ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक हो गया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक हो गया ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल है वो कैसा है आपने बंदे रखे हुए काम करने के लिए आपने बंदे रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता मालूम है ऑर्डर किसी ने किया माल किसी और ने रिसीव किया पेमेंट कोई और लगा रहा है वेंडर को तो तीन बार चेकिंग हो जाएगी जो बंदा ऑर्डर दिया ना वो माल रिसीव नहीं करता या जो बंदा रिसीव करता है वो पेमेंट नहीं करता मैं ऑर्डर दिया मैं रिसीव कर लिया मैं ही पेमेंट कर दिया तो गया तो हो गया खत्म कहानी फ्रॉड तो होना ही है तो मैंने ऑर्डर दे दिया ऑर्डर देने के बाद मैं जो माल गोडाउन कीपर रिसीव करेगा गुड्स उसको मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या ऑर्डर दिया है वो माल रिसीव करेगा खाली नोटिंग कर लेगा ऑर्डर जो बंदा दिया था वो अपना बिल भेजेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऑर्डर फॉर्म कि मैंने ये सब ऑर्डर दिया है वेंडर को जो बंदा माल रिसीव करेगा वो भी अकाउंट्स वाले को भेजेगा कि मेरे पास ये सब माल आया है अकाउंट्स वाला इन दोनों को वेरीफाई करेगा कि ऑर्डर और, और रिसीविंग सेम है कि नहीं और जो वेंडर है वो बिल ना तो ऑर्डर वाले को देगा ना वो बिल रिसीवर को देगा वो बिल खाली अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजेगा अकाउंट्स वाला वेरीफाई करके चेक बनाएगा उस पर साइन कोई चौथा करेगा ये हुआ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो यहां पर चोरी होने की संभावना जीरो है फ्रॉड की संभावना जीरो है तो जहां चोरी और फ्रॉड की संभावना जीरो है राइट उसका इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो इस चीज का भी ऑडिट होता है आजकल तो ऑडिटर खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट नहीं करता ऑडिटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अलावा इंटरनल कंट्रोल का भी ऑडिट करता है उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अब ऑडिटिंग इज नॉट अ वन डे जॉब ऑडिटिंग इज नॉट अ वन डे जॉब यू नीड टू अंडरस्टैंड वन टाइम लाइन ये हो गया फाइनेंशियल ईयर बिगिन ठीक है सपोज करो मैं तुमको बताता हूं एक अप्रैल 2023 को साल शुरू हुआ आप बताइए मैंने आपको बताया अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का होता है तो ये कब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा बेटा इकतीस तीन चौबीस को खत्म होगा राइट अच्छा अप्रैल मे जून ये तीन महीना डायरेक्टर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने में लग जाएगा यह तीन महीना डायरेक्टर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने में लग जाएगा तीन महीना पूरा सर क्या बोल रहे हम लोग तो 20 मिनट में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बना देते एग्जाम में बना देती हो ना सीबी वन में आएगा 20 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने बोलेगा कितना देर में बनाओगी 20 मिनट्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उससे ज्यादा ले तो तुम्हारा पेपर नहीं कंप्लीट होगा सर आप क्या बात कर रहे हैं गड़बड़ बात कर रहे हैं ऐसे नहीं होता तीन महीना थोड़ी लगेगा बेटा वहां पर सब कुछ करके दे देता है क्लोजिंग स्टॉक इतना है आज मान लो इकतीस तारीख है आज के आज अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की गिनती चालू करेंगे तो क्या आप आज कंप्लीट कर लेंगे क्या संभव ही नहीं है आप आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज के आज अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की गिनती तो तो चालू करेंगे तो आज के आज आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे स्टॉक ऑडिट में गया था मेरे को मैंने 92,000 टू थाउजेंड किलो ऑफ टी वेट किया था तीन दिन में स्टॉक काउंटिंग आजकल तुम लोग देखते हो गए फेसबुक में वो एक बार कोड स्कैनर आता है वो काउंट करके बता देता कितना पीसेस है उससे फास्ट हो गया नहीं तो क्या करना पड़ता था पहले के जमाने में एक दो तीन चार पांच छह सात और उसी गिनती में कोई अगर बीच में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी हंड्रेड परसेंट होनी है गड़बड़ तो लोग क्या करते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च को गिनती करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च को तो लोगों को क्या करना पड़ता हफ्ते भर का ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा दे हैव टू क्लोज डाउन ऑपरेशन फॉर वन वीक वॉट दे विल डू दे विल स्टार्ट काउंटिंग ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च ट्वेंटी थर्ड मार्च पर काउंटिंग शुरू करेगा हफ्ता पर बिजनेस बंद रहेगा चल so, लॉस हो जाएगा चल so, लॉस हो जाएगा हफ्ता भर बंद कर दू क्या यहां पर इतनी सारी दुकानें हटसन लेन में है? तीन सौ पैंसठ दिन खुली रहती हैं, बंद कर देगा ये लोग नहीं कला है क्या कला है तेईस तारीख को मैं गिनती शुरू करूंगा ठीक है तेईस तारीख को मैंने गिनना शुरू किया इकतीस तारीख तक हमारा गिनती खत्म होगा खाली आंखें खुली रखनी है तेईस तारीख को आप गिनती शुरू कर रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है खाली आप आंखें खुली रखिए। योर आईज ओपन जस्ट केयरफुली वॉच वॉट एवर हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड अब तेईस तारीख को गिनती शुरू कर रहे हैं ना करिए है कोई दिक्कत नहीं है ये सात दिनों में सात आठ दिन में जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा इनफ्लो आउटफ्लो रिलेटेड ऑफ गुड्स उसको आप अलग से नोट कर लीजिए उसको ये वाले स्टॉक में आप एडजस्ट कर दो 31 मार्च वाला स्टॉक आ जाएगा आपने तो तेईस तारीख को चार्ज ले लिया अब इस गोडाउन का चार्ज मेरा है लाइन से यहां पर गुड्स रखे हुए हैं मैंने पहला रैक का कंप्लीट कर लिया अब मैं दूसरे रैक की तरफ जा रहा हूं मेरा असिस्टेंट मेरे को बोल रहा है साफ वो पहले रैक से कुछ लेके जा रहा है मैं बोला ले जान दे तू खाली ख्याल रखियो कितना लेके गया है तू खाली ख्याल रखियो बस मैंने इधर का रैक कंप्लीट कर लिया मैं सेकंड में जा रहा हूं मेरे को मालूम है वहां पे 750 पीस है अब मैं रैक टू में आ रहा हूं बोले ठीक है उसको ले जान दे वहां से उसको बेचने दे कोई दिक्कत नहीं बस खाली तू ध्यान रखियो कितना लेके गया है वो तो मैं ये जो गिनती शुरू कर रहा हूं मैं तेईस तारीख की गिनती मानी जाएगी ये इसको कंप्लीट करते करते मार्च आ जाएगा और इस दौरान वो जो भी लेके जा रहा है मैं उसकी नोटिंग कर रहा हूं <laughs> उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा अपने आप मेरा इकतीस मार्च वाला स्टॉक आ जाएगा तो ये तो मैंने एक हफ्ते पहले से गिनना शुरू किया था साहब मार्च के दौरान काफी सारा काम रहता है ईयर एंडिंग का लोग गिनती 10 अप्रैल 15 अप्रैल को भी करते हैं अच्छा पूरे साल में आपने लेनदारी देनदारी की बहुत लोगों से की ना 100% परसेंट आपने बहुत लोगों से माल लिया है बहुत लोगों को बेचा भी होगा उधारी भी बची होगी तो सबसे कंफर्मेशन लेना पड़ता है सबसे आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि भैया आज के दिन हम आपसे इतना रुपए पाते हैं सही है कि गलत है बोलेगा हां तब जाके आपका वो सारा फाइनलाइज होता है कुछ कुछ टैक्स पेमेंट साल खत्म होने के बाद होती है उनका रिटर्न भी हम साल खत्म होने के बाद लगाते हैं तो फाइनलाइजेशन इज नॉट ए वन डे प्रोसेस इट टेक्स टाइम सो मिनिमम टू फाइनलाइज लास्ट ईयर का अकाउंट्स मिनिमम मंथ्स मैम टेलिंग यू दो महीने मिनिमम लगेंगे उसके बाद आएगा ऑडिटर तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा ऑडिटर क्या करेगा वेरीफाई करेगा ना तो उसको वेरीफाई करने में भी टाइम लगेगा ही कैन नॉट वेरीफाई थिंग्स इन जस्ट वन डे सो जुलाई अगस्त हो गया आपका ऑडिटर का ये हो गया आपका ऑडिटर ये समय ले रहा है कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर ने वेरीफाई कर लिया अब वो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है क्या कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट डालेगा राइट right? सितंबर में हमारा होगा ए जी एम जिसको अपने बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग जब ऑडिटर साइन कर देगा 21 दिन का नोटिस जाता है शेयर होल्डर को उतने दिन में आपको मीटिंग रखना पड़ेगा हर कंट्री का अपना अपना नियम है फॉरेन कंट्रीज में 10-12 दिन का है इस एजीएम में क्या क्या डिस्कस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट वाला डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करेगा हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं शेयर होल्डर बोलेगा हां दे दीजिए नहीं अपने पास रख लीजिए उसको अपने बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर लीजिए हमको ग्रोथ दिखाइए तीसरा अकाउंट्स रिवरेंट हो गया अगले साल का अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर डिस्कस होगा और डायरेक्टर अपॉइंटमेंट भी बीओडी किसी का एडिशन रिमूवल ये सब तो ये चार मेन पॉइंट्स होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के जो डिस्कस किया जाता है तो सर शेयर होल्डर को कंपनी साल में मिनिमम एक दिन का आमंत्रण देती है एनुअल जनरल मीटिंग को इसके अलावा इसके अलावा राइट right? इसके अलावा अगर कुछ मर्जर एक्विजिशन हुआ या कोई क्रिटिकल मैटर हो गया मैंने बताया था ना शेयर होल्डर को बुलाया जाता है बीच बीच में तो उस समय बुलाया जाएगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग तो एक तो ये मुद्दा मेन मीटिंग का हो ही गया एक मुद्दा तो ये मेन मीटिंग का हो गया ना राइट right? तो ये पूरा टाइमलाइन है टाइमलाइन आपको समझना बहुत जरूरी है साल खत्म होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ समय लगेंगे फाइनलाइज करने में डायरेक्टर विल टेक सम टाइम टू फाइनलाइज डायरेक्टर फाइनलाइज करेगा फाइनलाइज करने के बाद ऑडिटर आएगा अपना काम करने के लिए एंड देन जब काम कंप्लीट हो जाएगा वो साइन करेगा उसके बाद एजीएम होगा और एजीएम में चार मेन पॉइंट डिस्कस होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिविडेंड डिक्लेरेशन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड डायरेक्टर इज इट फाइन फोर मेन पॉइंट्स अब हम लोग बात करेंगे ऑडिटर के बारे में थोड़ा सा और यह सब जो मैं आपको बता रहा हूं ना आप सारा आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे अब ऑडिटर अपना काम कैसे करता है यह भी समझना बहुत जरूरी है बोल तो दिया वेरीफाई करो सबसे पहले यह जो ऑडिटर जो इस साल ऑडिट कर रहा है अब देखते हैं आपका दिमाग कैसे चलता है यह जो ऑडिटर जो इस साल ऑडिट कर रहा है इसको आमंत्रण कब गया होगा इनविटेशन की आपको ऑडिट करना है वेरी गुड लास्ट ईयर भी तो एजीएम हुआ होगा पिछले साल का जैसे मैंने क्या बोला इस एजीएम इस में क्या डिस्कस हो रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर डिस्कस हो रहा है ना तो ये नेक्स्ट ईयर ऑडिट के लिए हो रहा है तो यहां पर भी एजीएम हुआ होगा लास्ट ईयर बाईस तेईस का एजीएम एजीएम ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इसी एजीएम में तो ये ऑडिटर फाइनल हुआ है या अगर कंपनी नहीं है कंपनी अगर न्यू है तो शेयर होल्डर अपॉइंट किया होगा कहने का मतलब है जब भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो उसको एक उसके साथ एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है सगाई, रिश्ता पक्का हुआ हमारा इसमें रेम्यूनरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब ठीक है अब ये लोग ऑडिट का प्लान बनाएंगे राइट ये लोग क्या बनाएगा ऑडिट प्लान कैसे ऑडिट करना है जब ये लोग ऑडिट करने आएगा इनके पास क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल कैसा है अच्छा है कि खराब है राइट देन ऑडिट प्रोसीड्योर वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेगा पूछताछ करेगा आप इस आदमी से इतना रुपया पाते हैं इसकी क्या गारंटी कि मैं इसे पाता हूं ऑडिटर इसको चिट्ठी लिखेगा चिट्ठी लिखेगा मतलब एक्स वाई जेड एंड को के साथ आपका संबंध है बोलेगा हाँ, बोला ये कंपनी आपसे दस लाख रुपए पाती है ये बात सही है ये बोलेगा हाँ बोले हमें ये बात लिखित आप लिख कर दीजिए या मैं इसको चिट्ठी भेजूंगा उसमें साइन करके मेरे को रिटर्न करेगा तो प्रोसीड्योर करेगा ये क्या करेगा ये प्रोसीड्योर तो इसमें तीन टाइप का प्रोसीडियोर होता है एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर एक होता है कंप्लायंस प्रोसीड्यूर और एक होता है सबस्टेंटिव प्रोसीड्यूर, राइट ऑडिट प्रोसीड्योर में एक चीज आता है एन टी ई नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीड्योर सपोज करो दस लाख परचेज मैंने किया इस साल क्या तुम्हारे लिए संभव है दस लाख परचेज को चेक करना बोलो कर पाओगे क्या विल यू बी एबल टू चेक टेन लैक इन वॉइस नो आंसर इज नो तो आप क्या करोगे सैंपलिंग यूज करोगे सैंपलिंग का मतलब समझते हो ना छोटा पार्ट लोगे सैंपलिंग भी अलग अलग टाइप का होता है स्टेटिफाइड सैंपलिंग होता है सब तुम लोगों को मालूम है रैंडम सैम्पलिंग होता है तो इतने सारे बिल्स हैं सबको चेक करना संभव है क्या बोलो नॉट पॉसिबल इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरनल ऑडिटर भी होता है राइट right? तो सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है हर प्रॉपरली वर्क सेग्रीगेटेड है कि नहीं अगर वर्क प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ द वर्क इज प्रॉपरली सेग्रीगेटेड देर इज नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है वर्क अगर प्रॉपरली सेग्रीगेटेड है कोई दिक्कत नहीं है कोई वांदो नहीं अच्छा इंटरनल कंट्रोल है आप कम सैंपल में भी काम कर सकते हैं क्योंकि सैंपल का जो रिजल्ट होगा वही होगा पॉपुलेशन का रिजल्ट तो रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है एनटीई नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट किस हद तक आप ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोई भी चीज करते वक्त और वेरीफाई करते वक्त गलती होती होती है तो आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं वो पहले आप फिक्स करिए उसके बाद आप ये देखिए कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कम सैंपल में भी काम चल जाएगा अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है वाई याद है इस पर नहीं किया जा सकता सब कुछ चेक करना पड़ेगा समय लगेंगे ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा ऑडिट फीस ज्यादा लगेगी या मैं नहीं कर पाऊंगा आपका ऑडिट अब इसमें सैंपलिंग रिस्क भी है कि सैंपल का जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के साथ मैच मैंने सारे गलत वाले सैंपल्स ले लिए तो मैंने पॉपुलेशन का रिजल्ट भी गलत बता दिया आप विश्वास नहीं करेंगे आप बोलेंगे कि अपने लिए बोल रहा है लड़का इतना सारा लोगों को हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है देर आर मोर देन 150 फिफ्टी परसेंट स्टाफ टीचर्स जिनको हम लोग हैंडल कर रहे हैं अभी आने वाले आठ महीनों में बाय नेक्स्ट ईयर इुलाई विल बी ऑपरेटिंग एट मिनिमम फाइव लोकेशन एंड आवर फैमिली साइज विल बी अराउंड थ्री हंड्रेड जिस चीज में हम हाथ देते हैं ना मैं अगर ऑफिस का कोई भी काम चेक कर रहा हूं मैं तकदीर ऐसी है मेरी मैं जहां मैं जो चीज मैं देखता हूं उसी में गलती निकल जाता है हर एम्प्लॉय का होता है सपोज मैंने किसी को दस काम दिया उसमें से उसने कर लिया दो नहीं किया मैं तो रैंडम से देखता हूं वो दो ही निकलते जो नहीं किया हुआ है या जिसमें गलती है बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा हो सकता आपने जो सैंपल सेलेक्ट हो क्टिंग ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन तो ये सैम्पलिंग रिस्क है तो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट किस हद तक ऑडिट प्रोसीड्योर करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंड करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर कंप्लायस प्रोसीडियर सारा कंप्लायंस हुआ है कि नहीं procedure, भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बहुत ध्यान से देखती है पिछले साल आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट बताया था 25 परसेंट इस साल आपका 18 परसेंट पक्की इंक्वायरी होगी 100 एंड टेन परसेंट इंक्वायरी होनी है सब प्रोसीड मतलब रेशियो एनालिसिस ऑडिटर भी करता है सब काम सब चीज चेक करना पॉसिबल नहीं है ऑडिट प्रोसीजर होने के बाद आएंगे सबूत जिनको हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस और याद रखिएगा सफिशियंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑडिट एविडेंस सफिशियंट होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए सर एविडेंस ऑडिट ऑडिटर कर रहा है ऑडिट Audit, ऑडिटर कर रहा है तो ऑडिट प्रोसीडर लगा रहा है कुछ कुछ सबूत वो खुद डेवलप करेगा इसको अपने बोलते हैं ऑडिटर्स डेवलप्ड तो इस पे इसकी रिलायंस ज्यादा होगी ना आंखों देखा है मेरा उसके बाद ऑडिटर्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर खुद आपका बिजनेस रिलेटेड पर्सन को कॉन्टेक्ट कर रहा है डायरेक्टली उनसे बातचीत करके वेरीफाई करवा रहा है आउटसाइड पार्टी डॉक्यूमेंट ओप्टेन फ्रॉम बीओडी जैसे बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं बनाता है वो तो निकालता है ना बैंक के पोर्टल से उसने मेरे को निकाल कर दिया है ये मेरा थर्ड प्रेफरेंस हो गया और एक हो गया इनसाइड ये मेरा लास्ट प्रेफरेंस है तो सबूत मैंने खुद इकट्ठा किया है जो ऑडिटर डेवलप्ड इस पर सबसे ज्यादा मैं रिलायंस करूंगा क्योंकि सबूत इकट्ठा हुआ दैट मीन कि मैं ओपिनियन दे दूं मेरे को उसको इवेल्युएट भी करना पड़ेगा सफिशियंट होना चाहिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए अप्रोप्रिएट मतलब रिलायबल एंड रेलिवेंट पुख्ता सबूत एक्सटर्नल कंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल देन इंटरनल कन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूं मैं उसको सही है बोला हाँ सही है रिलाई कर दिया मैं अरे एक्सटर्नल करो खुद खो, खोजो सबूत निकालो तुम्हारे पास तो वो हुनर है तो ऑडिटर्स डेवलप्ड एक्सटर्नल कन्फॉर्मेशन आउटसाइड पार्टी डॉक्यूमेंट ओप्टेन फ्रॉम डायरेक्टर इनसाइड ये प्रेफरेंसेस हैं एंड इसके बाद आएगा ओपिनियन इसके बाद आएगा ओपिनियन तो मैंने पूरा आपको ऑडिट का प्रोसेस समझा दिया है पूरा ऑडिट का प्रोसेस बताया मैंने आपको राइट right? सबसे पहला क्या बताया एंगेजमेंट रिश्ता उसमें मैं आपको भेजूंगा आप रिप्लाई करेंगे फिर ये एंगेजमेंट कन्फर्म होता है फिर आप प्लानिंग करेंगे प्लानिंग करते वक्त आपको क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज प्रीवियस ऑडिटर से बातचीत कर लीजिए कुछ समझना है तो समझ लीजिए राइट ये सब चीज बेसिकली हैंडओवर लेके आपको प्लानिंग करना है उसके बाद ऑडिट प्रोसीड्योर आप इंटरनल कंट्रोल देख लो रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियोर कंप्लायंस प्रोसीडियर सब्सटेंटिव प्रोसीडियर इंटरनल कंट्रोल वी का तो ज़्यादा ऑडिट करना पड़ेगा ज्यादा सैंपल लेना पड़ेगा बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा राइट उसके बाद एविडेंस सबूत सफिशियंट होना चाहिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसके बेसिस पे आप ओपिनियन देंगे राइट एक चीज हमेशा याद रखना ऑडिटर कुछ भी करे उसको प्रोफेशनल स्केप्टिजम मेंटेन करना पड़ेगा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब दया कुछ तो है सीआईडी देखे हो ना दया कुछ तो है दैट इज प्रोफेशनल ही इज नॉट बिलीविंग दैट इट्स इनकरेक्ट नीदर ही इज बिलीविंग इट्स करेक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हर चीज को शक की निगाहों से देखो बट प्रोफेशनल स्केप्टिज्म करना बहुत जरूरी ये सब शब्द अगर आप आंसर में लिख दोगे ना वाइल डूइंग ऑडिट ऑडिटर नीड्स टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्मी देनी डेवलप एविडेंस जो sufficient and appropriate होना चाहिए काफी है ठीक है क्लियर हो गया हाँ जो ऑडिटर खुद डेवलप करेगा उस पर रिलायंस ज्यादा है और जो इनसाइट मतलब कंपनी से जो ऑप्टेन होगा उस पर सबसे लीस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है राइट सो अभी तक हमने क्या पढ़ा अब आज हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं इतना ही काफी है सर हमने पढ़ा सिलेबस में क्या क्या है मेन मेन टॉपिक्स मैंने बताया फाइनेंस एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट है टैक्सेशन है कॉर्पोरेट तो अपन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट पकड़े हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने देखा शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है डायरेक्टर मैनेज करेगा डायरेक्टर को अपॉइंट शेयर होल्डर ने किया है डायरेक्टर मैनेज करेगा अकाउंटिंग वो करेगा कंप्लायंस भी वो मेंटेन करेगा अकाउंटिंग करते हुए उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है अगर किसी कंट्री के पास में अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वो फॉलो करो नहीं तो आई फॉलो करो और अगर तुम्हारी कंपनी कोई फॉरेन सॉइल में है तो आपको कन्वर्ज एस ढूंढना पड़ेगा उस कंट्री का अपना जैसे हमारे पास है तो हमारी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होती है राइट अगर किसी कंट्री में उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो वो क्या कर सकता है आई एफ आर एस को अडॉप्ट कर सकता है समझ तो में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट खुद भी नहीं बनाती प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं क्लियर हो गया बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर ऑडिटर काम क्या है ऑडिटर का, का काम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना हाँ या ना नो no. ऑडिटर का, का काम है पीएल बैलेंस शीट बना के देना ऑडिटर का, का काम है सारा कंप्लायंस को मेक श्योर sure करना उसका काम है वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑडिटर अपना रिपोर्ट डायरेक्टर को सबमिट करेगा टाइटल में क्या लिखा रहता है टू द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी यस और नो कितना टाइप का ओपिनियन होता है कौन कौन सा क्लियर क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर विच आउट ऑफ दिस इज लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट वॉट ऑडिटर हैज टू मेंटेन वेन ही परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजियर If audit internal control is weak, in that case, more samples should be taken or less? More. Whatever evidence is obtained, it should be sufficient and appro appropriate relevant and reliable. Which one is more better evidence? Internally obtained or external confirmation? External yes. confirmation. एंगेजमेंट प्लानिंग प्रोसीड्यर एविडेंस ओपिनियन ठीक है सो दिस कंप्लीट बेसिक डिस्कशन राइट हम लोग डिस्कस करें बट आप लोग वीडियो भी देखते जाइए साइड बाई साइड राइट एंड वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो किसी को अगर पहले से पढ़ के आना है तो वो चैप्टर uh, 10 घर से देख के आ सकता है और टूमारोज क्लास इफ एनी वन वॉन्ट्स They can see chapter ten. Bye.